हेलो दोस्तों, मैं शुभम गाइड आपके साथ वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज फिर मैं झरना सफारी में आया हूँ और हमारे साथ हैं, नाम बताओ अपना खड़े होके। खड़े होके बताओ उधर मेरे चैनल को। हाय बोलो। हाय मैडम, नाम बताओ। दिव्या अग्रवाल। हेलो सर, नाम बताओ। मोहित गोयल। सर एक सवाल आपसे जी, कि काफ़ी समय हम लोगों को अंदर गेट के अंदर आए हुए हो गया है, जिस दौरान आपने क्या क्या चीज़ देख ली है अभी तक? अभी तक हम लोग को क्या क्या दिखाई दिया है बता, खड़े होकर जल्दी। सांभर, डियर, एलिफेंट और वो देखा था, पीकॉक और वुडपेकर। वुडपेकर दिखा देगा, उधर देख के बताओ ना। वुडपेकर। मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है उससे कैसा लग रहा आपको? नहीं, शुभम भैया का मतलब जो नेचर है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। शुभम भैया का क्लियर कट है, दिखेगा नहीं दिखेगा ये नहीं है कि हाँ ये है वो एक्स वाई जी, वो सारी कैलकुलेशंस नहीं है, जो है क्लियर है। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर शुभम भैया। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो क्लाइंट हैं उनको पूरी जानकारी दी गई है कॉर्बेट के बारे में, कि कितने यहाँ पर गेट्स हैं, कितने यहाँ पर जॉन्स हैं, कैसे आपको आना है और यहाँ क्या क्या वाइल्ड लाइफ यहाँ पर होती है। सब कुछ इनको बता दिया गया है। और टाइगर की मूवमेंट किस तरह से होती है कि जब डियर, मंकी, बर्ड्स आवाज़ करते हैं, इट्स मीन टाइगर मूवमेंट में है। और टाइगर मूवमेंट में है इट्स मीन जिस तरफ से इस डियर मंकी बर्ड्स की साउंड आ रही है, इसमें वहाँ से टाइगर ने चलना स्टार्ट किया। देखो उस तरफ से कुछ और जिप्सी आ रही है, ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इनको टाइगर दिखे। ऐसे ही यहाँ वाहनों की आवाजाही लगी रहती है और लोग कोशिश करते हैं। और दूर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी दो जिप्सियाँ खड़ी हैं और ट्राई कर रहे हैं कि कुछ टाइगर साइटिंग हो पाए। आप इस पेड़ को देखें, पूरा आपको दिखाई देगा जैसे काल मूवी में था वैसे ही एक पेड़ है ये। आप इस तरफ देखें हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ये सवाना ग्रासलैंड है। सवाना ग्रासलैंड ही टाइगर का बेस्ट हैबिटेट होता है। टाइगर की जो हथेलियाँ होती हैं, पैड होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए टाइगर सॉफ्ट ग्रास के ऊपर या सॉफ्ट मट के ऊपर चलना पसंद करता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम जो हम लोग देख पाते हैं, टाइगर के फुटमार्क्स रोड के ऊपर दिखाई देते हैं। उन फुटमार्क्स से को ही हम लोग फॉलो करते हैं, उन फुटमार्क्स को ही हम लोग फॉलो करके ये पता लगा सकते हैं कि भाई टाइगर किस तरफ गया है और उसको हम फॉलो करते हैं। और दूसरा टेक्निक यही है कि अलार्म कॉल, डियर मंकी बर्ड्स की अलार्म कॉल होती है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और अभी जैसा कि सर ने बताया आपको कि भाई वुडपेकर्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं और बर्ड्स हैं, 581 स्पीसीज बर्ड्स की कॉर्बेट पार्क में पाई जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं यहाँ पर, जिसमें विंटर में अलग आती हैं, समर में अलग आती हैं, तो बर्डिंग के लिए भी एक आइडियल प्लेस है कॉर्बेट पार्क। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।